अगर आप MacBook 16, 17 यूज कर रहे हैं या आप खरीदने की सोच रहे हैं या जेनबुक खरीदने की सोच रहे हैं ऑसस का, या आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम बुक खरीदें, तो आपको सबसे बड़ी परेशानी ये आने वाली है और वो है अदर डिवाइस के साथ उसकी कनेक्टिविटी, मसलन हार्ड ड्राइव के साथ, मसलन लैन कार्ड के साथ, अगर वाईफाई आप यूज नहीं करते हैं या कभी यूज करना पड़ जाए तो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्याव और इस नई चाय और नई सुबह के साथ आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा ही लेकर के आया हूं और उस समस्या का हल लेकर के आया हूं जो आपको फ्यूचर में काम करेगी। परेशानी ये नहीं है कि आप अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करेंगे, परेशानी ये भी अभी होती है कि अभी कोई भी ऐसा हार्ड ड्राइव, बहुत कम ऐसा हार्ड ड्राइव है, SSD टाइप का हार्ड ड्राइव है, 1 TB का जो हार्ड ड्राइव है वो 17,000 18,000 में आता है और उसके साथ USB-C टाइप का पोर्ट लगा हुआ रहता है, उसका एडाप्टर लगा हुआ रहता है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं आज के नए मैकबुक ऑसस या अपने क्रोमबुक के साथ। बट प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है, अभी कोई भी हार्ड ड्राइव अभी भी लॉन्च हो रहा है तो उसके साथ आपका सिर्फ USB 3.1 पोर्ट आता है जो अभी आपके मैक के साथ या ऑसस के साथ या क्रोमबुक के साथ कंपेटेबल नहीं है। आज मेरे हाथ में है ऑके का ये USB टाइप सी हब। दोस्तों ये एक कन्वर्टेबल हब है जो आपके मैकबुक, क्रोमबुक या ऑसस जेनबुक में या जो भी उस हाई एंड लैपटॉप में जो आज USB सी टाइप का जो पोर्ट है वो एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए ये मैंने खरीदा है। इसे खरीदने के बहुत सारे रीजन थे मेरे पास, बिकॉज मुझे कार्ड रीडर भी चाहिए था। अभी आपको इन सारे डिवाइस में कार्ड रीडर भी नहीं मिलता है, सिर्फ लैन कार्ड, लैन ही नहीं, आपको कार्ड रीडर भी नहीं मिलता है। चार्जिंग पोर्ट जो होता है वो भी आपको चाहिए होता है समटाइम्स, बिकॉज कभी कभी सारे पोर्ट आपके ऑक्यूपाइड होते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही पोर्ट से कई सारा काम लिया जाए। तो उसी में मैंने बहुत खोजा, बहुत रिसर्च किया, कई सारे रिव्यूज पढ़े, कई चीज़ों को मैंने देखा और फाइनली मैंने चूज किया ऑके का, बिकॉज दिस इज चीप एंड बेस्ट। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं और उसके बाद बताते हैं इसके बारे में कुछ यूनिक सी चीज, क्या है ऐसा ऑके में जो अदर्स में नहीं है और क्या है इसमें ऐसा जो अदर आपको प्रोवाइड नहीं करता है, लाइक हुतू, लाइक सटाचे, लाइक क्वाको। यस, तो चलिए ओपन करते हैं इसे। तो दोस्तों इसको खोला जाए। यह है ऑके का मल्टीपोर्ट USB सी हब और पैकेट इसका बिल्कुल साधारण सा है लेकिन काफ़ी ठीक सा लग रहा है। ये मैंने इसे ओपन किया, अगर आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो जो ये वारंटी कार्ड बड़ा अच्छा सा है, दिस इज़ अ की होल्ड टू गेट इन टू द ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। तो ये है यूज़र मैनुअल, तो यूज़र मैनुअल पढ़ लेने का है। ये सामने मेरे निकल करके आ रहा है, दिस इज़ अ ऑके का USB-C मल्टीपोर्ट हब। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन मुझे दिख रहा है ये USB-C का जो हब है, और ऊपर का जो ये कोटिंग है ये एल्युमिनियम का है, थोड़ा हेवी भी है। जहाँ तक वायर की बात करें तो मुझे पता नहीं है कैसा होगा, ये USB-C इसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि USB-C टाइप जो पोर्ट होता है उसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दो पोर्ट दिए गए हैं, USB 3 के लिए एक SSD कार्ड के लिए दिया गया है और एक microSD कार्ड के लिए दिया गया है, ये दोनों कार्ड रीडर हैं। और यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे HDMI पोर्ट मिलता है, जो पोर्ट आप जो है HDMI केबल के थ्रू अपने लैपटॉप को मिरर कर सकते हो अपने TV के साथ। तो ये ऑके का ये प्रोडक्ट मैंने लिया है, इसकी अनबॉक्सिंग तो दोस्तों यही है लेकिन इसकी दो तीन विशेषताएं हैं जो मैं आपके बता दूं। ऑके की जो सबसे पहली जो विशेषता ये है कि मैं इससे पहले यूज़ करता था दिस क्वांटम जीरो, आप देख रहे होंगे मैं बहुत अच्छे यूज़ करने के बाद भी यहाँ ये प्रोडक्ट जो है टॉर्न हो चुका है। और इस क्वांटम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है,
जैसे ही आपके मैक के साथ ये लगता है, मैक का वाईफाई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो ऐसा क्रिएट करता है कि वो इंटरफेयर करने लगता है और वाईफाई आपका खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, क्वांटम जीरो के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर आपने एक हार्ड ड्राइव लगाया हुआ है और अगर आप दूसरा हार्ड ड्राइव सडनली इसमें अगर आप डालेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि पहला हार्ड ड्राइव अनमाउंट हो जाता था और दूसरा हार्ड ड्राइव माउंट होने लगता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए ऑके को लेकर के आया। और ऑके के साथ दोनों ही चीजें आपको मिलती है। पहला मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड है। अगर देखा जाए मुझे तो काफी अच्छा इसका दिख रहा है, कर्व्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं, रिच सा एक फीलिंग दे रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ऑके लेना चाहिए बिकॉज इसकी प्राइस रेंज बहुत कम है और ये जो ऑके है वो सिर्फ आपको 3000 रुपीज में ये आता है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने देखा कि ये कितना उपयोगी है आपके मैकबुक के लिए, क्रोमबुक के लिए। और मैं इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की बिकॉज मुझे था कि चीप एंड बेस्ट एक ऐसा यूएसबी सी टाइप आपको हब दिया जाए जिसमें आपको सब कुछ एक पर्टिकुलर हब में ही मिल जाए, और दूसरी चीज वो कि आप बिल्कुल चीप प्राइस में, कम प्राइस में इसका ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सकें। जी तो मित्रों, इसके साथ ही आपको अब तक का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिलता रहेगा। तो धन्यवाद अगले वीडियो तक के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक वीडियो जरूर डालूं। थैंक यू वेरी मच।